हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बेटा, हम लोग करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। देखिए, डायमेंशन के आप लोगों के दो टेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने डायमेंशन आप लोगों को पूरा नहीं कराया है। तो ज़्यादा हाय तौबा या पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब आप डायमेंशन पढ़ लोगे फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों की बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगी बेटा। ठीक है, मंडे की क्लास में यानी कल की क्लास में मैंने डायमेंशन के काफ़ी सारे रूल्स आप लोगों को बताए। मुझे उम्मीद है कि वो रूल्स आप लोगों को समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा आगे, और डायमेंशंस के आगे की कंडीशन हम लोग जानेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आगे की कंडीशन हमारे पास में क्या है। एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। कैपिटल ई है हमारे पास में एनर्जी, और एनर्जी को मैंने यहाँ लिखा अल्फा बीटा गामा। दिख रहा है आप लोगों को? एनर्जी को मैंने ये लिखा अल्फा बीटा गामा, और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा ई टू द पावर, ध्यान से जरा, माइनस अल्फा बीटा एन अपॉन एक्स। ये है बेटा हमारे पास में इक्वेशन। ई इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ई इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा ई टू दी पावर माइनस के अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय एक्स। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ गामा। आपको गामा की डायमेंशन बतानी है बेटा क्या होगी। तो देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि भैया ये जो फंक्शन हमारे पास में होता है, इस फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है पूरी तरीके से डायमेंशन लेस। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरी तरीके से डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सामने ये जो अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है ना बेटा, आप सीधा इसे एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ऐसे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। यानी हमने क्या किया, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, जब इसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं, हमने सीधा इसकी डायमेंशन को इसकी डायमेंशन के इक्वल रख दिया। ठीक है भाई, एक काम तो हमने कर दिया, अभी हमें थोड़ा सा और चाहिए। हमें क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डायमेंशन लेस होता ही है, लेकिन इसकी जो पावर होती है ना बेटा, पावर, ये भी डायमेंशन लेस होती है। ये पूरा फंक्शन तो डायमेंशन लेस है ही, लेकिन ई की जो पावर है वो भी डायमेंशन लेस है। अब बताइए ई की पावर क्या है आपके पास में। ई की पावर है अल्फा बीटा अपॉन एक्स, ये भी है हमारी डायमेंशन डायमेंशन लेस, ये भी हमारी डायमेंशन लेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स को ले जाते हैं उधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, एक्स का मतलब किस चीज़ से होता है, एक्स का मतलब होता है लेंथ से। तो आप ये समझिए, अल्फा बीटा की जो डायमेंशन हमारी निकल गई, वो निकल गई एल के इक्वल। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशन है एल के इक्वल। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम एक काम करने वाले हैं, हमें एनर्जी की डायमेंशन पता है ऑलरेडी। एनर्जी की डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू। ओके, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रखने वाले हैं, अल्फा इंटू बीटा। देखो, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम रखने वाले हैं एल को, और साथ है हमारे पास में गामा, एल से ये स्क्वायर फिनिश। सो हमारे पास में निकल चुका है डायमेंशन ऑफ गामा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ गामा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बेटा आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आने की। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें। कंसेप्ट मैं आपको साथ साथ बताकर चल रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये डायमेंशन लेस है, और इसकी जो e की पावर है ना बेटा, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और नंबर भी हमारे पास में होता है डायमेंशन लेस। ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है और नंबर भी होता है हमारे पास में डायमेंशन लेस।
उम्मीद करेंगे कि बात आप लोगों को समझ आई हो और कोई परेशानी यहाँ तक ना हो। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। वीडियो को पॉज करके ना नोट डाउन कर लिया करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर टू, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की। देखिए एग्जाम्पल नंबर टू क्या है हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर टू है फोर्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन गामा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। लो बेटा, ये है हमारे पास में एक बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करके। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा हमें और दे दिया बेटा, और ये कहा कि e टू दी पावर माइनस अल्फा टी, e टू दी पावर माइनस बीटा टी, ये हमें दे दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारे पास में कंडीशन। अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे यहाँ से। भाई हमें पता है कि ये जो पूरा मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, ये पूरा जो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा है हमारा डायमेंशन लेस। ये पूरा का पूरा हमारा डायमेंशन लेस है डायमेंशन लेस, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा अपॉन गामा स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन गामा स्क्वायर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायमेंशन निकालेंगे, बीटा की अलग निकालेंगे और अल्फा की अलग निकालेंगे। कैसे, क्या तरीका मैंने आपको बताया कि ई की जो पावर में लिखा होता है ना, ये जो लिखा हुआ है ई की पावर में, ये डायमेंशन लेस है। यानी हम ये कह सकते हैं ई टू दी पावर, सॉरी, ई की पावर में लिखा हुआ है बीटा टी, ये बीटा टी हो गया बेटा हमारा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ओके, हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू, जब टी उधर जाएगा तो बन जाएगा टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा की डायमेंशन तो हमारी निकल गई। अब आते हैं हम अल्फा की डायमेंशन पर। अब अल्फा की डायमेंशन कैसे निकलेगी ये आपको देखना है। देखो यहाँ ई की पावर में ये टर्म है, तो ये भी हमारा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो हमने इसे लिख दिया अल्फा जेड अपॉन के थीटा। भाई ये भी है हमारा डायमेंशन लेस, ये भी है हमारा डायमेंशन लेस। सो अल्फा की जो डायमेंशन यहाँ से निकल कर आएगी, अल्फा की जो डायमेंशन निकल कर आएगी वो आएगी के थीटा अपॉन जेड। ध्यान से बेटा, अल्फा की डायमेंशन हमारी यहाँ से निकल कर आएगी के थीटा अपॉन जेड। अच्छा के क्या है, शायद आप लोगों को याद ना हो, लेकिन मैंने आपको आपकी कॉपी में लिखवा रखा है बेटा, के का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन होती है ये ML2T-2K-1। के का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी डायमेंशन होती है ये। ये जो थीटा है ना, थीटा बेटा यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये शो कर रहा है टेम्परेचर को, और टेम्परेचर की डायमेंशन होती है के। जेड एक्स वाई जेड लेंथ को दिखाते हैं, तो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, के से के माइनस वन फिनिश, एल से एल स्क्वायर फिनिश। सो अल्फा की डायमेंशन निकल गई हमारे पास में ML T-2। तो देखो बेटा, बीटा की डायमेंशन है T-1 और अल्फा की डायमेंशन है ML T-2। इन दोनों को यहाँ से उठाइए और यहाँ पुट करिए। देखो फोर्स की डायमेंशन है हमारे पास में ML T-2 इज इक्वल टू, अल्फा की डायमेंशन है हमारे पास में ML T-2, बीटा की डायमेंशन है हमारे पास में T-1 और यह है गामा स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, गामा स्क्वायर चला जाएगा इधर
और ये बनेगा हमारे पास में t माइनस वन एंड द डायमेंशन ऑफ गामा इज t टू द पावर माइनस के 1/2। ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी बेटा गामा की। सो अल्फा की डायमेंशन ये, बीटा की डायमेंशन ये और गामा की डायमेंशन ये। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो e का फंक्शन है ये पूरी तरीके से डायमेंशन लेस है। तो आप क्या करेंगे, e के फंक्शन का जो कॉफिशेंट होगा, e के जो सामने लिखा होगा, उसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रख देंगे और e की जो पावर में होगा उन्हें डायमेंशन लेस आप रख के इस तरीके से अल्फा बीटा की डायमेंशन आप लोग निकाल देंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को दो प्रॉब्लम मैंने बताई और दोनों आप लोगों को समझ आई हो। अब हम बढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर जो हमारे सामने आता है इसे हम लोग बोलते हैं लॉग फंक्शन। कई बार इसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, लॉग फंक्शन, या इसका पूरा नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लॉग फंक्शन। कैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्वेश्चन आता है एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है बेटा। और यहाँ आया मेरे पास में लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो लॉग फंक्शन हमारा होता है, लॉग फंक्शन, ये भी पूरा का पूरा हमारा डायमेंशन लेस होता है। ये पूरा का पूरा होगा हमारा डायमेंशन लेस। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा डायमेंशन लेस है, बिल्कुल वैसे ही लॉग फंक्शन भी होगा हमारा डायमेंशन लेस। यानी अगर ये पूरा डब्बा हमारा डायमेंशन लेस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बी। उम्मीद है कि बात समझ आई हो आप लोगों को। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात तो हो गई, एक बात तो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि e की जो पावर में लिखा होता है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो भी डायमेंशन लेस होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये पूरा डब्बा तो हमारा डायमेंशन लेस है ही, लॉग के साथ यहाँ जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये यहाँ जो लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर को। काहे को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी होगा हमारा डायमेंशन लेस, ये भी होगा हमारा डायमेंशन लेस। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई हो। अब अगर ये भी हमारा डायमेंशन लेस हो गया, सो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, ठीक है। ए एक्स हमारा डायमेंशन लेस है, हमें चाहिए ए की डायमेंशन, तो x चला जाएगा इक्वल टू से उधर और x की डायमेंशन होती है l, तो a की डायमेंशन हमारी निकल गई बेटा l माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a और ये निकल चुकी है l माइनस वन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मुझे आप एक बात बताइए, फोर्स की डायमेंशन से आप सभी लोग अच्छे तरीके से वाकिफ है। फोर्स की डायमेंशन है हमारी एम एल टी माइनस टू, ओके बेटा। ए की डायमेंशन में निकाल चुका हूँ एल माइनस वन और साथ में है मेरे पास में बी। एल माइनस वन को इक्वल टू से उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास में बनेगा डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, ये निकल जाएगी हमारी बी की डायमेंशन। यहाँ निकल चुकी है ए की डायमेंशन और यहाँ निकल चुकी है हमारी बी की डायमेंशन। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग ये सीखते हैं बच्चों कि जो लॉग फंक्शन होगा वो भी हमारा डायमेंशन लेस होगा। ध्यान रखेंगे, जो लॉग फंक्शन होगा वो भी हमारा डायमेंशन लेस होगा और लॉग के साथ जो ब्रैकेट में लिखा होगा यहाँ पर वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और वो भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर फोर पर बेटा। और देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर क्या है हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर फोर है x इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन गामा। ठीक है, यहां है हमारे पास में लॉग फंक्शन। ठीक है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है अल्फा x और नीचे लिखा हुआ है बीटा t। ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है अल्फा x और नीचे लिखा हुआ है बीटा t। ये है हमारे पास में प्रॉब्लम। आपको बताना है कि अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, बीटा की डायमेंशन क्या होगी और गामा की डायमेंशन क्या होगी, आपको ये बताना है बेटा। अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ज़रा आप लोग देखिए। भाई मैंने आपसे कहा कि ये जो पूरा का पूरा लॉग फंक्शन है, दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा लॉग फंक्शन, ये पूरा का पूरा बॉक्स होगा आपका डायमेंशन लेस। ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका डायमेंशन लेस होगा। और अगर ये पूरा बॉक्स आपका डायमेंशन लेस है तो हम ये कह सकते हैं एक्स की जो डायमेंशन होगी, एक्स की जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी अल्फा बीटा अपॉन गामा के। ये होगा बेटा हमारे पास में। अगर ये पूरा बॉक्स डायमेंशन लेस हो गया तो एक्स की डायमेंशन बराबर होगी अल्फा बीटा अपॉन गामा के। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो ऊपर वाली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं मेन वैल्यू, मेन वैल्यू। और ये मेन वैल्यू एक नंबर को दिखाती है और ये भी हमारी डायमेंशन लेस होती है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा एक्स को हम रख देंगे डायमेंशन लेस। अल्फा एक्स हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। ठीक है बेटा, और साथ में ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम लोग बोलते हैं बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। ये बेस वैल्यू भी हमारी डायमेंशन लेस होती है। जो मेन वैल्यू है वो भी डायमेंशन लेस है और जो बेस वैल्यू है वो भी हमारी डायमेंशन लेस है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी बेटा। ठीक है, यानी हमने अल्फा एक्स को भी डायमेंशन लेस रख दिया और हमने बीटा टी को भी डायमेंशन लेस रख दिया। सो हमारी जो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई, भाई x चला जाएगा इक्वल टू से उधर और ये बन जाएगा l माइनस वन, t चला जाएगा इक्वल टू से उधर और ये बन जाएगा हमारे पास में t माइनस वन। सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ बीटा। एक हो गई हमारी अल्फा की डायमेंशन और एक हो गई हमारी बीटा की डायमेंशन। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके अब आपको एक काम करना है, दोनों की वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पुट करना है बेटा। x का मतलब किस चीज से है, x का मतलब है लेंथ से। अल्फा का मतलब किस चीज से है, अल्फा की डायमेंशन हम निकाल कर आए हैं l माइनस वन, बीटा की डायमेंशन हम निकाल कर आए हैं t माइनस वन और अपॉन में है हमारे पास में गामा। ठीक है, अब हमें चाहिए गामा की डायमेंशन, तो गामा को ले जाएंगे इधर और l को लेकर आ जाएंगे इधर। सो डायमेंशन ऑफ गामा इज इक्वल टू, जब l यहाँ से यहाँ आएगा तो l माइनस वन पहले से है और l इधर आएगा तो ये बन जाएगा l माइनस टू और ये है हमारे पास में t माइनस वन। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ गामा। अल्फा की डायमेंशन ये है, बीटा की डायमेंशन ये है और गामा की डायमेंशन हमारे पास में ये है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आई हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लॉग फंक्शन के ऊपर। अब लॉग फंक्शन के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा लास्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोग उस प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल नंबर फाइव। देखो भैया एग्जाम्पल नंबर फाइव है हमारे पास में, कैपिटल ई है एनर्जी, यहां है अल्फा, यहां है बीटा और यहां है गामा। ठीक है, साथ में है हमारे पास में लॉग, ब्रैकेट में है अल्फा वी प्लस बीटा, ब्रैकेट में है अल्फा वी प्लस बीटा। ये है हमारे पास में क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आपको नई चीज़ समझ में आएगी। ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके अब आप देखो बेटा,
आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा बॉक्स कैसा है? आप जानते हो कि ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है आपका, ये है डाइमेंशनलेस। ये पूरा बॉक्स आपका डाइमेंशनलेस है, ठीक है बेटा? ये पूरा बॉक्स आपका डाइमेंशनलेस है। अगर ये पूरा बॉक्स आपका डाइमेंशनलेस है तो E की डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगी, यानी हम ये लिख पाएंगे, सो डायमेंशन ऑफ कैपिटल E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा गम, ठीक है बेटा? ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद आप देखो यार, मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि ये जो ब्रैकेट होता है ये भी नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी लॉग तो हमारा डायमेंशन लेस है ही, लॉग के साथ ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होता है, तो ये टर्म भी हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा और ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी डायमेंशन अल्फा वी हो जाएगा हमारे पास में डायमेंशन लेस, और बीटा भी हो जाएगा बेटा हमारे पास में डायमेंशन लेस। देखो बीटा के साथ तो कुछ है नहीं कि मैं बीटा की डायमेंशन निकाल सकूं, तो बीटा तो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन लेस हो गया, यानी बीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, बीटा डायमेंशन लेस है। अल्फा की डायमेंशन निकालते हैं, अल्फा की डायमेंशन जब निकालेंगे तो v इक्वल टू से उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा v माइनस वन। v का मतलब है वेलोसिटी से, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस वन की होल पावर माइनस वन, तो ये निकल कर आएगा हमारे पास में l माइनस वन t प्लस वन। देखो बेटा बीटा तो हो चुका है डायमेंशन लेस, बीटा हमारा क्या हो चुका है डायमेंशन लेस, और अल्फा की डायमेंशन हो चुकी है हमारी ये। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल E यानी एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होगी एम एल टू टी माइनस टू, एल्फा की डायमेंशन होगी एल माइनस वन टी, बीटा की कोई डायमेंशन नहीं है तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हो गया हमारे पास में गामा। बस आप लोगों को यहाँ से गामा की डायमेंशन निकाल देनी है बेटा। गामा की डायमेंशन निकलेगी एल माइनस वन इधर जाएगा एम एल थ्री, और टी इधर जाएगा तो टी माइनस थ्री, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ गामा, ये होगी हमारी गामा की डायमेंशन, ठीक है? तो अब आप देखो, मैंने सिंपल पॉलिनोमियल यानी सिंपल इक्वेशन में जो आते हैं वो आपको करा दिए हैं, एक्सपोनेंशियल वाले मैंने आपको करा दिए हैं, लॉग वाले मैंने आपको करा दिए हैं, अब हम आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, और ट्रिग्नोमेट्री वाले में और लॉग वाले में कोई बड़ा मतलब डिफरेंस नहीं है, जैसे लॉग डायमेंशन लेस है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशन लेस है, उसमें तो खाली एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा बेटा, ठीक है? आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, तो अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर सिक्स पर, और एग्जाम्पल नंबर सिक्स पर हमारे सामने आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें और लॉग फंक्शन में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा है, एक बार देख लीजिए आप लोग। जैसे ये आया हमारे पास में x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यहाँ आया हमारे पास में साइन ए एक्स प्लस बी, ये बन गया हमारे पास में, ठीक है बेटा? ये बन गया हमारे पास में ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन है हमारे पास में, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बॉक्स बना हुआ है ना साइन, ये पूरा का पूरा आपका डायमेंशन लेस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप लोगों का बेटा होता है डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी, डायमेंशन लेस। समझ में आ गई बात? अगर ये पूरा बॉक्स डायमेंशन लेस हो गया तो इस अकेले की डायमेंशन इसके बराबर हो गई, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं सो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बी स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद देखो आप लोग, अब मैंने आपसे क्या कहा था लॉग फंक्शन में, जैसे लॉग फंक्शन पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे यहाँ साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक कॉसेक कॉट, कुछ भी हो, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो पूरी तरीके से डायमेंशन लेस होगा। और उसके साथ ब्रैकेट में ये जो नंबर्स होंगे ना बेटा, ये भी डायमेंशन लेस होंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं, सो ए एक्स हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। और यहाँ से ए की डायमेंशन निकल कर आएगी, एक्स चला जाएगा इक्वल टू से उधर एल माइनस वन। ए की डायमेंशन निकल गई हमारी एल माइनस वन। अच्छा, बी के साथ तो कुछ है ही नहीं, अगर बी के साथ कुछ नहीं है तो बी हो गया हमारा डायमेंशन लेस। ए की डायमेंशन हो गई एल माइनस वन और बी के हो गया हमारा डायमेंशनलेस। अब यहां आते हैं, देखो बेटा, एक्स की डायमेंशन हो गई एल, ए की डायमेंशन हमने निकाली है एल माइनस वन। समझ में आ रही है बात? ए की डायमेंशन, इसके साथ सी भी है भाई, मैंने गलत लिख दिया है, यहां सी भी है। बी हमारा डायमेंशन लेस है, अब हमें चाहिए सी की डायमेंशन क्या होगी। एल माइनस वन को उधर ले जाएंगे और C की डायमेंशन हमारी निकल जाएगी L स्क्वायर। ठीक है, A की डायमेंशन L माइनस वन, B हो चुका है डायमेंशन लेस और C की डायमेंशन है हमारे पास में L स्क्वायर। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा, ये होगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं आपके सामने, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। एग्जाम्पल नंबर 7, देखो इधर है हमारे पास में प्रेशर कैपिटल P, ओके, यहां है हमारे पास में अल्फा बीटा स्क्वायर और यहां है हमारे पास में टेन अल्फा जेड, ये है हमारे पास में बेटा टेन अल्फा जेड, ओके। आपको बताना है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले आप ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो बॉक्स है, ये हो गया हमारा डायमेंशन लेस। तो प्रेशर की डायमेंशन सीधा इसके इक्वल हो गई, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर। समझ आ रही है बेटा बात? अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस है तो टेन के साथ ये जो टर्म लिखा हुआ है ये भी हमारा डायमेंशन लेस होगा, यानी अल्फा जेड भी हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। तो यहां से अल्फा की डायमेंशन निकल कर आएगी जेड माइनस वन और जेड का मतलब होता है लेंथ से, तो अल्फा की डायमेंशन निकल गई एल माइनस वन। ओके बेटा, अब यहां उठाकर हम पुट करते हैं, कैपिटल पी यानी प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एल्फा की डायमेंशन है हमारे पास में एल माइनस वन और साथ में है बीटा स्क्वायर, एल माइनस वन से एल माइनस वन कैंसिल आउट और बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये निकल कर आएगी एम की पावर वन बाय टू, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और टी की पावर माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है बेटा, ये निकल गई अल्फा की डायमेंशन और ये निकल गई बीटा की डायमेंशन। तो बेटा अब आप ये समझिए कि एक तरीके की प्रॉब्लम, वन टाइप की प्रॉब्लम मैंने पूरी तरीके से आपके सामने डिस्कस कर ली है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए इस तरीके की प्रॉब्लम को करने में, चाहे उसमें एक्सपोनेंशियल का टर्म आ जाए, चाहे उसमें लॉग का टर्म आ जाए, चाहे उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, ठीक है, या सिंपल इक्वेशन आ जाए, आप बना दोगे अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को, कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे सामने। एक छोटा सा नोट पॉइंट है बेटा हमारे पास में, नोट पॉइंट ये है, हमने आपसे कहा था कि जब दो क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तो इन दोनों की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, इन दोनों की
जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। अगर हम दो क्वांटिटीज़ को माइनस करते हैं तब भी इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम। तब भी इनकी जो डायमेंशन होगी बेटा वो सेम होगी, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करते हैं तो उनकी डायमेंशन होगी सेम, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम, बिल्कुल सेम होनी चाहिए डायमेंशन। ए और बी की डायमेंशन भी कैसी होनी चाहिए? सेम, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं तो डायमेंशन मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। डायमेंशन मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है बेटा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखो ये बात बड़ी आसान सी है, अभी 2 साल पहले नीट के एंट्रेंस एग्जाम में पूछी गई थी, क्या आप सेम क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल है कि आप तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों की डायमेंशन या दोनों की यूनिट सेम होगी। दोनों की डायमेंशन या दोनों की यूनिट सेम होगी। खुद दिमाग लगाओ यार, लंबाई में मास थोड़ी जोड़ दोगे तुम लोग, यानी मीटर में किलोग्राम को थोड़ी ऐड कर दोगे, मीटर में मीटर को ही ऐड करोगे। तो प्लस और माइनस में रूल ये है, द डायमेंशन ऑफ बोथ क्वांटिटीज शुड बी सेम, समझ में आ रही बात। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डायमेंशन मे और मे नॉट बी सेम, सेम हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, ऐसी कोई नेसेसरी रूल नहीं है कि भाई डिवाइड या मल्टीप्लाई करते समय डायमेंशन हमारी सेम या सेम नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, कभी कभार हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके बेटा, चलिए अब हम और आगे देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट हमारे पास में बनेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है किसी भी फॉर्मूले को चेक करने के लिए। मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला हमें दे रखा है तो आता है कि चेक करके बताइए कि वो जो फॉर्मूला आपको गिवन दिया गया है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर्मूले को हमें चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है, और वो हम चेक करते हैं विद द यूज ऑफ डायमेंशन। कैसे? जैसे कि आप ये समझिए कि आपको एक फॉर्मूला दिया गया है और वो है ये, x इज इक्वल टू हाफ ए टी। आपको सिर्फ चेक करना है, ठीक है, आपको सिर्फ चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या ये फॉर्मूला गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम उठाएंगे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास में x, ठीक है, और x की डायमेंशन होगी हमारे पास में L। लो भैया, हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में हम उठाएंगे RHS, यानी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास में हाफ ए टी, ठीक है बेटा। अब आप देखो जरा यार ध्यान से, हाफ यानी नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ए यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। स्मॉल टी यानी टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है हमारे पास में टी। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल जाएगा एल टी माइनस वन। अब आप ये देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है L और राइट हैंड साइड की डायमेंशन है LT माइनस वन, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट,
ये जो फॉर्मूला हमें गिवन दिया गया है बेटा, ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई हो। इस तरीके से आप चेक करेंगे कि कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। जैसे हम बढ़ते हैं आगे बेटा, अब देखो प्रॉब्लम हमारे पास में बनी ये नोट पॉइंट नंबर 2। हमारे पास में बना फोर्स इज इक्वल टू 6πr(v), ठीक है, ये लिख दिया हमारे सामने और हमें कहा कि भैया चेक करके बताइए कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमें कहा कि भाई चेक करके बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए भाई बता देते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड हमने सबसे पहले लिया LHS को। अब LHS में कौन है हमारे पास में? फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन हमारे पास में होती है MLT-2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास में आ चुकी है MLT-2 और हमने इसे नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का बेटा, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए क्या है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है हमारे पास में 6πr(v), सॉरी ईटा नहीं है यहाँ पर, ओनली 6πr(v) है। अब आप देखो बेटा भाई 6π तो कांस्टेंट है, नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। r का मतलब है लेंथ यानी l, और v का मतलब है वेलोसिटी यानी LT-1। तो जैसे ही हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे तो वो निकल कर आएगी हमारे पास में L²(t-1)। अब ज़रा देख कर बताइए मुझे, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच कर रही हैं? नहीं मैच कर रही हैं। सो हम लोग लिखेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट है बेटा, ये फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई हो आप लोगों को और पता चल रहा हो कि किस तरीके से हम आंसर को बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है एग्जाम्पल ज़रा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। भाई एग्जाम्पल नंबर 3 की हम लोग बात करने जा रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास में, फोर्स इज इक्वल टू एरिया और यहाँ है dv/dx। ये है फॉर्मूला भाई हमारे पास में। आपको चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो भैया आप ये देखो कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और लेफ्ट हैंड साइड में है फोर्स और फोर्स की डायमेंशन आएगी हमारी MLT-2। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड, ये रही राइट हैंड साइड हमारे पास में, राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखिए क्या आएगी, एरिया की डायमेंशन है भाई हमारे पास में L²। dv का मतलब है वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1 और dx का मतलब है L, ठीक है बेटा। L से L फिनिश, हमारे पास में बन गया L²(t-1)। अब आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। सो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ये जो फॉर्मूला है हमारा ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। ऐसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है बेटा। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में फोर्स इज इक्वल टू एरिया, वेलोसिटी स्क्वायर और साथ में है डेंसिटी। ये है हमारे पास में फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एरिया वेलोसिटी स्क्वायर इनटू डेंसिटी। आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए भाई बिल्कुल करेंगे चेक। सबसे पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और देखो लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास में फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन हम सभी लोगों को पता है वो होती है MLT-2। हमने इसे नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। हमने इसे नाम दे दिया है बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग उठाते हैं राइट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड पर है हमारे पास में एरिया, वेलोसिटी स्क्वायर और साथ में है डेंसिटी। अब आप देखो जरा एरिया की हमारे पास में जो डायमेंशन है वो है एल स्क्वायर। ओके बेटा, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है हमारे पास में वो है LT-1 का होल स्क्वायर। डेंसिटी की जो डायमेंशन है हमारे पास में वो है ML-3। ये है साहब पूरी कहानी। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। एल स्क्वायर T-2 एम L-3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा MLT-2। अरे वाह, देखो इस बार तो राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन वही आ गई जो लेफ्ट हैंड साइड की थी हमारी। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी यही है और राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन यही है, यानी हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। दोनों की डायमेंशन आपस में इक्वल है तो फॉर्मूला पूरी तरीके से करेक्ट है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला पूरी तरीके से करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है या कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं बेटा कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो। डायमेंशंस में अभी कम से कम 2 क्लास हमारी और लगेंगी और 2 क्लास के बाद डायमेंशन का काम हमारा हो जाएगा पूरी तरीके से फिनिश। फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स को बेटा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।